एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है। उसमें आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है, साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो तिरहुत रेंज आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी शिवदीप वामन राव लांडी सभी चार जिलों का अपराध समीक्षा कर रहे हैं। अपने समीक्षा के लिए लांडे संबंधित जिलों में जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फाइलों को देखते हैं और अपराध के साथ अपराधियों के कार्यशैली की जानकारी लेते हैं। इसी समीक्षा के दौरान सोमवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे शिवदीप लांडे ने जिले के अपराध की समीक्षा की। रूटीन अपराध, साइबर अपराध और भू माफिया द्वारा संगठित अपराध को अलग अलग नजरिए से वर्गीकृत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सीनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का, उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है यहाँ पे, ज्यूडिशियल इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सीटीएसपी अरविंद और एएसपी अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलाबोरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है। उसमें आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है, साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में, तो साइबर का एक कॉमन फेनोमेना है। लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी, तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर FIR भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी, इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स सर, इसमें क्या चैलेंज है, स्मैक से जुड़े अपराध? ये देखिए, स्मैक ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए, उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या करने कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी के कैश छीन लेता है। हालाँकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में, तो हमारे लिए वही चैलेंज है। 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल में, तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है,
अभी फिलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध, संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है, उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया है, लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आई जी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए। हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है, और शिवहर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब SDPO से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफिया से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भू माफिया होगा यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो।